मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर टैली पेरोल क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, पेरोल में आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबको जुड़ जाने दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी पुरानी कंपनी खोलते हैं जिसमें हमने कल टैली का टॉपिक स्टार्ट किया था। आप सभी अपना नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे साथ में, और यहां से मेरे साथ अजीत, रिया, रोहित सैनी और तमन्ना, ये जुड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मेरे को एक बार मैसेज में यस और नो बता दें। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने वर्किंग एजुकेशनल मोड और कंपनी हमारी ऑलरेडी ओपन है हार्ट्रॉन स्किल सेंटर के नाम से, जिसमें हमने पेरोल इन्फो पे एम्प्लॉइज यूनिट अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप और पे हेड्स और सैलरी डिटेल ये हमने सीख लिया था इसमें। और बेसिकली हमने इसके बाद वाउचर्स में कैलकुलेशन करना भी सीखा था, जिसमें डिस्प्ले में आप डे बुक पे जाएंगे तो आपके पास ये दो वाउचर आपको मिलेंगे अटेंडेंस और पेरोल के। अब आते हैं कि अगर हमने इसी एम्प्लॉय की मंथ वाइज सैलरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। मंथ वाइज सैलरी आपका टॉपिक है आज का, दैट इज मंथ वाइज। अब मंथ वाइज सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापिस पेरोल इन्फो पे ही जाएंगे। और उसी एम्प्लॉय का जो डिटेल है वो दोबारा से ओपन करेंगे। इधर से सैलरी डिटेल और डिफाइन, सैलरी डिटेल और डिफाइन, इस पे हमने हिमानी जो हमारा एम्प्लॉय है, हमारी जो एम्प्लॉय है इसे हम रीओपन करेंगे, क्योंकि हमने इसकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी निकालनी है। अभी हमने कल सिंगल मंथ की जो सैलरी है वो निकालने सीखी थी, और इस एम्प्लॉय को दोबारा ओपन करेंगे। मैं स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं आपके, दैट इज सैलरी डिटेल पेरोल इन्फो पे ही, और डिफाइन देन एम्प्लॉय का नाम। अब यहाँ पे आप देखें अप्रैल मंथ की तो हमारे पास सैलरी बनी हुई है, अब हमने इसकी मई मंथ की भी निकालनी है, तो हम यहाँ पे डेट डिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ मई 1/5/2021 नेक्स्ट मंथ की। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू
और एक ऑप्शन आता है स्टार्ट फ्रेश। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर आप कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू पे एंटर करेंगे तो आप ऊपर वाला सारा डेटा ऑटोमेटिकली पाएंगे कि वो नीचे आपको शो कर रहा है, यानी कि हमने जो पिछले मंथ सैलरी दी थी वही सैलरी हम उसको इस मंथ भी दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि आपका ज्वाइन नहीं हो रहा। स्टूडेंट, आप अपना एक बार चेक करें टेक्निकल इशू, क्योंकि लिंक हाँ क्लिक जी, करते आप जूम पे आप ज्वाइन कर पाएंगे। लिंक पे आप क्लिक कर दें। और 1 मिनट क्लास पर ज्वाइन कर लूँ, फिर वो चलती रहेगी। चलती स्टूडेंट्स, आपकी वॉइसेस रहेगी। बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्ब है, जस्ट वेट। स्टूडेंट अपने माइक्स म्यूट करें प्लीज, नहीं तो मुझे इधर से करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, तमन्ना बताएं, आपकी कोई क्वेरी? ओके, मैंने माइक आपका भी म्यूट किया है, आप टाइप कर सकते हैं। जिसकी क्वेरी होगी मैं उसका जो माइक है वो अनम्यूट कर दूंगी। अगर किसी को बात करनी है, टॉपिक को दोबारा एक बार से पूछना है, कोई क्वेरी लेनी है, तो पर्टिकुलरली उसी स्टूडेंट का जो माइक है वो अनम्यूट कर देंगे। अदरवाइज सबकी वॉइसेस जो है वो मिक्स हो जाती हैं, तो वॉइस डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाती है। आप एक बार मुझे चैट में बता देंगे अगर स्पेसिफिकली आपको जेन्युइनली कोई क्वेरी है, तो उसी का ही माइक जो है वो अनम्यूट कर देंगे ताकि मैं उनको सुन पाऊं। ओके, तो हम यहाँ पे थे, हमने किया कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू। इसमें जो पुरानी वैल्यूज हैं अप्रैल मंथ की वो सारी कॉपी हो जाएंगी, और इनमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो हम कर सकते हैं। और अगर हम स्टार्ट अफ्रेश से करते हैं तो नए सिरे से हम सारी वैल्यूज डालेंगे जैसे हमने लास्ट मंथ की डाली थी। तो मैं अभी के लिए कन्वीनियंस बेस पे कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू कर लेती हूँ। और सेम हमने इसको सैलरी दी, सेम, ओके, मई मंथ की, और इसको सेव कर दिया। वही स्टूडेंट्स बहुत देर बाद जुड़ रहे हैं। इच्छा, निखिल, आप 10 बजे आ जाए करो पूरे। ओके, यहां से हमने इसको सेव किया और वापिस आएंगे आप गेटवे ऑफ टैली पे। और इधर से आप पेरोल वाउचर पे जाएंगे और वापिस से आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, कंट्रोल F5 फॉर अटेंडेंस। और इधर से आपने एम्प्लॉय का नेम लिया और इधर से लिया प्रेजेंट, और यहां से कितने डेज, जैसे कि 30 डेज उसने लगाए। तो इस बार स्टूडेंट्स, जैसे हमने उनका एब्सेंट का भी एक बनाया हुआ है और हमने उसका लीव का भी बनाया हुआ है, तो मई मंथ में हम क्या करें, हम उसकी सपोज 29 डेज की प्रेजेंट रखते हैं और हम उसकी एक दिन की सपोज एब्सेंट रखते हैं। एब्सेंट का हमने क्या बनाया हुआ है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया हुआ है। इसे आप ध्यान से देखेंगे कि जब मैं उसको नेक्स्ट मंथ की सैलरी देने जा रही हूं तो उसमें हम उसको फुल मंथ प्रेजेंट नहीं रख रहे हैं,
यहां से हमने लिया एब्सेंट और इधर से डाल दिया वन और एंटर प्रेस किया, तो 29 डेज क्या है वो प्रेजेंट और एक दिन है वो एब्सेंट, और इसको सेव कर दिया। वापिस आए और फिर पेरोल वाउचर में जाना है, कंट्रोल एफ फोर प्रेस किया आपने और ऑल्ट ए प्रेस कर दिया। ये ऑप्शन आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल प्रोसेस वाइज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वाइज आपने इसको लेके जाना है। कंट्रोल एफ फोर प्रेस करने के इमीडिएट बाद आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और यहां से आपने लिया सैलरी और यहां से 1420 एंड 1421। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमारा फुल मंथ आता है 1/4 to 30th April। एजुकेशनल मोड है ये हमारा, इसीलिए डेट्स पिक नहीं करेगा, तो मैंने इसमें 1/1 लिया है। और यहाँ से हमने लिया एम्प्लॉय का नाम हिमानी और यहाँ से एम्प्लॉय नेम और सैलरी हम दे रहे हैं सपोज बैंक के थ्रू। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, आप डीए और एचआरएस ने कैलकुलेट नहीं किया। अब अगर हमारे प्रोसेस में कोई भी एक मिस्टेक होती है, कोई भी एक माइनर मिस्टेक भी होती है, तो हमारी सैलरी जो है वो कैलकुलेट नहीं होती। अब चेक करें इसमें क्या मिस्टेक है। चलिए, डे बुक में मैंने वाउचर ओपन किया, आप देख सकते हैं कि ये सारी 1/4/1/4 की एंट्रीज हैं। हिमानी की आप देखें, ये अटेंडेंस जो है दोनों अप्रैल मंथ की लगी हुई है। और हमने सैलरी डिटेल कब डाली थी, पेरोल इन्फो पे जाके देखें, सैलरी डिटेल डिफाइन, ये हमने डाली थी 1 May 1/5 को। वापिस आएंगे और आप यहीं पे उसकी अटेंडेंस जो है वो ठीक कर सकते हैं। जैसे 1 April की थी, मैंने ये देखा ये 29 और जो 1 डेज बनी है, इस पे F2 प्रेस किया। स्टूडेंट जो F2 होता है वो किस लिए होता है, वाउचर की डेट चेंज करने के लिए। अब यहां पे हमने डाला 1/5 यानी कि मई मंथ, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि इसमें सैलरी डिटेल, अटेंडेंस वाउचर और पेरोल वाउचर तीनों की डेट्स सेम होनी चाहिए। तो हमने अब डिटेल तो मई में डाली और अटेंडेंस अप्रैल में लगाई, तो वो हमारी मिसमैच कर गई। इसीलिए हम इसमें ध्यान रखेंगे डेट्स का, ये मोस्टली केस होता है माइनर सी मिस्टेक का, स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसको कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया वाउचर को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मई की डेट नहीं आ रही है डे बुक में, उसका रीजन ऑल्ट एफ टू से एक बार हम 1 April 2 ये सारा डिलीट कर देंगे, तो आप देखें हमारी मई का एक वाउचर आ गया। अब यहां से हम पेरोल वाउचर पे जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने एम्प्लॉय की जो सैलरी कैलकुलेट की है उसमें उसका पेरोल कैलकुलेट नहीं किया। कंट्रोल एफ फोर ऑल्ट ए, अब यहां से सैलरी 1/5 to 1/5 एंटर और यहां से एम्प्लॉय का नाम एंटर और यहां से बैंक, ये देखिए आप देख सकते हैं उसकी एक दिन की सैलरी जो है वो कट गई है और बाकी अलाउंसेस के साथ ये हमारी आ गई। तो पर मंथ जो उसकी 30,000 बननी थी और एक दिन की डिडक्शन करके वो 29,000 आ गई हमारी। अब इसे आप सेव करेंगे। अब पेरोल वाउचर कहाँ पे हम चेक करते हैं, डिस्प्ले
स्टेटमेंट ऑफ इट्स पेरोल और पेरोल में स्टेटमेंट ऑफ पेरोल देन पेस्लिप देन सिंगल पेस्लिप देन हिमानी. अब आप देखें इसकी ये मई मंथ की दिखा रहा है और अगर हम इसमें ऑल्ट एफ टू प्रेस करें तो पर्टिकुलरली मैंने 1/4 to 31st में किया तो ये कंबाइन करके आपकी दिखाएगा. आप मंथ वाइज ऑल्ट एफ टू से इसमें देख सकते हैं पेरोल रिपोर्ट में. तो स्टूडेंट्स हमने जो टैली पेरोल है इसके दो सेगमेंट्स कल किए थे, दो सेगमेंट्स इसके आज कर लेते हैं. अब इसी तरह से अगर आपने पे शीट चेक करनी है तो आप पे शीट चेक कर सकते हैं. अभी मेरे पास सिंगल एम्प्लॉय है तो सिंगल एम्प्लॉय. अब इधर एम्प्लॉय वाइज भी आपकी डिटेल्स आएंगी पे शीट में एम्प्लॉय वाइज. अभी आज के टॉपिक में हमने क्या किया था, एक एम्प्लॉय की मंथ वाइज सैलरी निकालनी है और एम्प्लॉय वाइज सैलरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे एम्प्लॉय वाइज. अब एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करें, पेरोल इन्फो एम्प्लॉय क्रिएट. अब देखिए हमने जो ये प्रोसेस किया था ये हमें दोबारा नहीं करना, अब हमें नए एम्प्लॉय की निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ बना हुआ है तो हम क्या करेंगे सिर्फ एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे. जैसे मैंने एक सुनैना एम्प्लॉय बनाया. अब सपोज इसकी ज्वाइनिंग, अब डेट्स का बड़ा ध्यान रखेंगे आप, जो वाउचर में डेट्स का इश्यू होता है उसे आपने कैसे देखना है. इसकी ज्वाइनिंग हम 1 अगस्त में करवाते हैं. पेरोल में, पेरोल कैलकुलेशन में सारा जो केस है वो डेट वाइज का है. 1 अगस्त में हमने इसकी ज्वाइनिंग करवाई और बाकी फर्दर डिटेल्स हम डाल सकते हैं, उसका नंबर डेजिग्नेशन फंक्शन ये सब ऑप्शन हम डाल सकते हैं इसमें. और इसको वापिस आए एस्केप से. अब इस एम्प्लॉय की हमने क्या डालनी है, सैलरी डिटेल. सैलरी डिटेल यहाँ पे डिफाइन पे एंटर किया और यहां से लिया सुनैना. अब इसके इफेक्टिव फ्रॉम में क्या डेट लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ अगस्त, क्योंकि डेट्स हमारी सेम रहनी चाहिए. और यहां से आप पे हेड्स ले लेंगे. जैसे बेसिक सैलरी ली, इस बार हमने ली 1500 पर डे. डीए ले लिया उसका, एचआरए इस बार ले लेते हैं 4000. अब सपोज हम कहते हैं उसे ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिल रहा है लेकिन वो सैलरी का पे हेड तो हमने बनाया नहीं, तो अगर हमने यहीं पे बनाना हो तो हम ऑल्ट सी से नया सैलरी हेड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टीए ट्रेवलिंग अलाउंस. अर्निंग यहां से वेरिएबल, यहां से इनडायरेक्ट और यहां से फ्लैट रेट और यहां से मंथ, और इसको सेव कर दो. अब सपोज ट्रेवलिंग अलाउंस उसको दे रहे हैं हम पर मंथ 1500 का. फ्लैट रेट का मीनिंग, ओके गिनी आपका क्वेश्चन है फ्लैट रेट का मीनिंग. अभी देखिए फ्लैट रेट में क्या होता है कि जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. जैसे कि हमने प्रेजेंट लगाई कि हमने 28 डेज के बेस पे कैलकुलेट करना है, 5% पे कैलकुलेट करना है, 3.5 पे कैलकुलेट करना है. कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, एक पर्टिकुलर रेट है कि हमने पर मंथ 1000 2000 3000 देना है. एक फ्लैट रेट, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैट रेट, कि आपको कोई अलग से उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. क्योंकि आप बाकियों में देखें आपको अटेंडेंस के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, प्रेजेंट एब्सेंट कैलकुलेट करनी पड़ती है,
तो इसमें आप सीधा डायरेक्ट अमाउंट डालते हैं। मैं एक चीज इसमें पूछ रही हूँ आपसे, जो अमन हमारे साथ जुड़े हैं ये एडवांस टैली के हैं या जिनका भी टैली स्टार्ट हुआ है? अमन शर्मा, अमन आपका टैली अब अगर स्टार्ट हुआ है तो आपका ये वाला बैच नहीं है, इसमें हम अलग से टॉपिक कर रहे हैं। इट्स योर विश दैट इफ यू वांट टू ज्वाइन देन इट्स ओके। अगर आपका नए सिरे से चल रहा है तो 2:30 पे हमारा एक बैच लगता है जिसमें टैली नए सिरे से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब अभी आपका स्टार्टेड है तो ये वाले बैच में हम एडवांस टैली की क्लासेस ले रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से ग्रैब हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो टैली का बेसिक्स है वो हम 2:30 पे भी स्टार्ट करते हैं। वहां पे और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप वो वाली क्लास भी लगा सकते हैं। और अदरवाइज मैंने आपको जैसे बता रखा है, हार्ट्रोन का जो हमारा चैनल है उसे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वहां पे आपको हमारे डेली की जितनी हम क्लासेस लेते हैं उन सब के लिंक्स मिलेंगे और ये लिंक्स हम आपके ग्रुप में भी शेयर करते हैं। अब आपके जो बैच में क्या है, कुछ स्टूडेंट्स एडवांस टैली वाले हैं, कुछ बेसिक टैली के हैं, तो आपका जो नंबर है वो हमने सेकेंड बैच में बेसिकली डाला हुआ है। जिनका अभी स्टार्ट हुआ है वो अपना नंबर रिप्लेस करके आप उसे 8:30 या फिर आप उसे 3:30 वाले बैच में डाल लेंगे जो हमारा फिफ्थ बैच है, तो उसमें हमारा बेसिक वाला चल रहा है। तो अगर आप इसे ग्रैब कर रहे हैं तो आप क्लास छोड़ना मत, अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे ज्वाइन ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो नंबर है वो दोनों ग्रुप्स में ऐड करवा देते हैं, जिनको बेसिक और एडवांस दोनों सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे टीए हमने डाल दिया। और इसे हमने सेव किया। अब हमने इसकी सैलरी डिटेल कब डाली थी? 1st of August में। तो 1st of August में हम उसकी क्या लगाएंगे? अटेंडेंस, पेरोल वाउचर्स, कंट्रोल F5, F2 और 1st of August, ये हमने लगाई इसकी अटेंडेंस। यहां से लिया सुनैना और इसकी प्रेजेंट और यहां से 30 और ये सेव। मैं इसको मंथ वाइज 30 ले रही हूँ स्टूडेंट्स, इसमें आप कैलेंडर डे वाइज भी ले सकते हैं, जैसे 30 डेज या 31 डेज लेंगे तो एक दिन उसमें वो ऐड कर देगा। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम उसे एक मंथ को एक 30 डेज की तरह लें या 31 डेज की तरह लें तो एक दिन की और ऐड होगी। इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अप टू कंपनीज नॉर्म्स कि वो कैसे चाहती हैं कैलकुलेट करना, हम दोनों तरह से कर सकते हैं। कई कंपनीज में होता है ऐसे कि जहां पे 31 डेज है तो एक दिन की ऊपर होती है, 28 डेज में वो 28 डेज की पर्टिकुलर पर डे पे कलेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो उसके रूल पे डिपेंड करता है। जब हम पे हेड बनाते हैं वहां पे आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल इतना ही लिया है, 30 डे मंथ। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे ऑप्शन करके देखेंगे। अब अटेंडेंस लगाने के बाद कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे, ऑल्ट A और यहां से सैलरी 18 ऑटोमेटिक आ रहा है। अब ये 18 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अटेंडेंस ही अगस्त में लगाई है, ये ऑटोमेटिकली उस डेट को पिक करेगा जिस डेट में अटेंडेंस लगी है। और यहां पे भी 18 किया और यहां से एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट किया सुनैना, एम्प्लॉय नेम इधर से HDFC बैंक और ये आप देखें
45,000, 2,000, 4,000, 1,500. ये उसकी फुल सैलरी बन गई 52,500. और ये हमने इसको पे कर दिया. अब नेक्स्ट आते हैं इसमें इसके जो सेगमेंट टू है उसमें हम एम्प्लॉई को और क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि कंपनी की तरफ से उसे कोई लोन या एडवांस मिल रहा है तो वो उसकी सैलरी में कैसे दिखाना है. वो स्टूडेंट्स में इसके सेकंड सेगमेंट में पेरोल पार्ट टू दो हुए थे हमारे. थर्ड ये है, उसके फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि जो हमारी जूम क्लास का टाइमिंग है यह मोर देन 40 मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो आप इसको एक बार फिर से रीजॉइन करें. ये मैं आपको फोर्थ पार्ट में बताती हूँ. सो कनेक्ट अगेन स्टूडेंट्स विद इन 5 मिनट्स कनेक्ट.